भी आप हमारे देख रहे होंगे कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो आ चुका है राजधानी के। इस समय हम लोग लालबाग चौराहे पे खड़े हैं जहाँ पर इनका भाषण भी हो रहा है। जिस तरह से कारवा गुजर रहा है, जिस तरह से सारे कांग्रेसियों की भीड़ आपको देखने को मिल रही है, काफी उत्साह दिख रहा है प्रियंका के लखनऊ आगमन पर। और जिस तरह से अभी तक सुबह से जो हुजूम देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसका रंग भी देखने को आपको मिल रहा है। जिस तरह से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आज राजधानी में आ चुके हैं, देखते हैं कि अपने भाषणों में किस तरह से लखनऊ की जनता का आह्वान करेंगे। ये स्क्रीन पे भी हमारी आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का लखनऊ आगमन हो गया है। इस समय हम लोग लालबाग चौराहे पे खड़े हैं जहाँ पे सारे कांग्रेस नेता का भव्य स्वागत कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि एक दो लोगों से कि क्या कहेंगे प्रियंका गांधी के बारे में। प्रियंका गांधी एक हिंदुस्तानी राजनीति में नहीं आई है और वो सेम लगती है इंदिरा गांधी, इनमें कोई तो इंदिरा गांधी की छवि भी लोग बता भी आया है जिन्होंने कहा हम देखने भी आए हैं। और कई नेता जिस तरह से इंदिरा गांधी की छवि भी बता रहे हैं, क्या कहेंगे क्या प्रियंका गांधी में 200% छलांग मारने वाला है, इसको कोई छलांग मारने वाला है जैसा कि लोगों का ये कहना है। और अभी थोड़ी देर में और भी दिखाएंगे कि कांग्रेस हमारे स्क्रीन पे सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो उत्साह पूरी राजधानी में आज देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद है पार्षद अमित चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता भी है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आप स्वागत करेंगे प्रियंका गांधी का। जी हम लोगों ने स्वागत की व्यवस्था करी है। माननीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, ज्योतिराव सिंधिया जी के लिए हम लोगों ने लखनऊ वासियों और हमारे महात्मा गांधी के शहरवासियों ने उन्हें स्वागत की जोर से व्यवस्था कर रखी है। फूल मालाओं और बुके से हम उनका स्वागत करेंगे। और निश्चित तौर पर ये लखनऊ और देश में बदलाव की स्थिति अब पैदा हो गई है। युवा जाग गया है, ये सच्चाई है, और झूठे मक्कारों की सरकार से युवा जाग गया है। तो जिस तरह से युवाओं का जोश आज पूरी राजधानी में देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे क्या 19 के चुनाव में इसका असर होगा? निश्चित तौर पर 2019 में बदलाव आएगा और ये युवा मिलकर हमारे देश में बदलाव लाएगा। तो किस तरह से स्वागत कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता? बहुत ही जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं हम लोग सब मिलकर प्रियंका जी का। और उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा और पहली बार देखा भी जाएगा और लोग सब उत्साहित है और सब लोग यहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए। देखिए हमारे लिए गर्व की बात यह है कि माननीय राहुल गांधी जी अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातिवादी शक्तियाँ, सांप्रदायिक शक्तियाँ जिस तरीके से लड़ाई ले रही है और विगत 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है कमजोर स्थिति में थी, राहुल गांधी के आने से और उन्होंने माननीय प्रियंका गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस का जो है महासचिव बनाया और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। लोग प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, इंदिरा गांधी की पूरी मूर्ति एक तरीके से प्रियंका गांधी में उतारी गई है, ये कुदरत का निजाम था। और देश की जनता इस गांधी परिवार के ऊपर आज जितना विश्वास करती है, शायद ये जो अन्य दल हैं जिन लोगों पर तमाम एलिगेशन है, लेकिन प्रियंका गांधी और गांधी खानदान के ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं। जिस तरह से इस समय दबाव बनाया जा रहा है, प्रियंका गांधी के पति को इस तरह से सीबीआई जांच में फंसाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप लोग, किस तरह से कांग्रेस कमेटी के युवा साथ है? देखिए ऐसा है, ये सरकार जो है वो दुर्भावना से काम कर रही है। पांच साल की सरकार में इनको ना उत्तम जांच उनको याद आई, जब चुनाव करीब आ गया तो इनको रावण वाड्रा को फंसाने के उद्देश्य से और जनता में वोट की राजनीति करने के लिए उन्होंने ये कृत्य किया है जो अशोभनीय और निंदनीय है। आज किस तरह से स्वागत कर रहे हैं आप लोग? यहाँ का जो नौजवान है वो बेरोजगारी के मुद्दे पे ग्रसित है और उसको रोजगार के नाम पे केवल सपने दिखाए गए हैं, इसलिए देश का नौजवान लड़ाई लिया है, किसान लड़ाई लिया है, मजदूर लड़ाई लिए है, मध्य वर्ग के लोगों ने लड़ाई लिया है, जिस हिसाब से महंगाई और भ्रष्टाचार है,
जैसा कि देखा आपने, ये थे पूर्व सचिव कांग्रेस कमेटी के, जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का जो स्वागत राजधानी में लगाया गया है, जिस तरह से हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है और जिस तरह से बीजेपी सरकार पे भी तंज कसा उन्होंने। आइए और भी युवाओं से बात करते हैं कि क्या राय है आज के इस जिस तरह से स्वागत समारोह जगह जगह राजधानी में लगाया गया, ये जानते हैं कि युवाओं के क्या राय है प्रियंका गांधी के बारे में। जोश वही है कि जिताएंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे उनके साथ ही, उनका हम जीजान से साथ देंगे। क्या 19 के चुनाव में कांग्रेस बनने वाली है? बिल्कुल, अब की बात तो कांग्रेस ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। आप क्या कहेंगे 19 के चुनाव में क्या कांग्रेस आने वाली है? बिल्कुल आने वाली। तो आइए हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के काफी नेता मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। भाई ये तो जीती गई, समझो जीत गई। स्वागत प्रियंका गांधी जी का लगाया गया है, ऐसा हमेशा होगा। जिस तरह से युवाओं में जोर देखने को मिला, क्या 19 के चुनाव पे इसका असर होने वाला? भाई बिल्कुल होगा, प्रियंका के आने से समझो चुनाव जीत गए। तो जैसा कि देखा आपने कि ये थे कांग्रेस कमेटी के लोग। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।